बीए और बीसीए क्या है, बीए कौन कर सकता है, बीसीए कौन कर सकता है, दोनों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बीए की फीस, बीसीए की फीस क्या होती है, बीए कौन कर सकता है, बीसीए करना अच्छा रहेगा कि नहीं, किसे कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके भी मन में बीए और बीसीए को लेकर डाउट्स है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीए क्या होता है, बीसीए क्या होता है, किसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, किसमें क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, बीए करने के क्या फ़ायदे हैं, बीसीए करने के क्या फ़ायदे हैं, फ्यूचर में जॉब से रिलेटेड भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपको जानना है बीए और बीसीए के बारे में, दोनों को कंपेयर करना है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष एरिना यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। देखो गाइस, बीए और बीसीए दोनों का नाम मिलता जुलता है, बस सी का फर्क हो जाता है। देखो अब आपको बताता हूँ कि बीए क्या होता है और बीसीए क्या होता है। देखिए, बीए एंड बीसीए दोनों डिग्री कोर्स है जिसे हम लोग क्लास 12 के बाद करते हैं। बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बारी आती है कि बीए करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और बीसीए करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपको 12 पास करना होगा, मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और उसी तरीके से अगर आप बीसीए करना चाहते हो तो बीसीए में भी आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिसमें अगर आपके 45% से कम है तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है, वही बीसीए में कुछ कॉलेज ऐसे भी है जिसमें मिनिमम परसेंटेज आपका 60% मांगता है। तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन जो ज़्यादातर कॉलेज होते हैं उसमें मिनिमम परसेंटेज आपका 45% होना चाहिए। बीए का जो कोर्स होता है ये रेगुलर कोर्स है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आप बीए का कोर्स कम्प्लीट कर लेते हो तो आपकी डिग्री कम्प्लीट हो जाती है। वहीं पे जो बीसीए का कोर्स है ये दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। बीसीए के कोर्स में आपको वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर बनाना, कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। अगर आप बीसीए का कोर्स कर लेते हो तो दोस्तों बीसीए करने के बाद आप कहीं जॉब भी कर सकते हो। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर बन सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। वहीं पे अगर आप बीए का कोर्स करते हो तो दोस्तों उसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिल सकती, आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी या फिर आपको कोई और जॉब करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बीसीए का कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है तो बीसीए करने के बाद भी आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि बीसीए करने के बाद वो मास्टर डिग्री करते हैं, यानी कि एमसीए करते हैं, जिससे उनकी क्वालिफिकेशन और अच्छी हो जाती है और उनको जॉब तो मिल ही जाती है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। अब बारी आती है कि बीए और बीसी में एडमिशन कैसे ले, तो दोनों का प्रोसेस करीब करीब सेम ही है। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हो, आपकी रैंक अच्छी आती है, तो दोस्तों आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आपको एडमिशन दे देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपका ट्वेल्थ में कोई भी सब्जेक्ट हो आप बीए का कोर्स कर सकते हो। चाहे आपने साइंस लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे आर्ट्स लिया हो, आप ट्वेल्थ के बाद बीए का कोर्स कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें बीसीए के कोर्स के लिए, तो बीसीए के भी कोर्स में आप कोई भी सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं है। बीसीए का कोर्स वो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने साइंस लिया है, जिन्होंने आर्ट्स लिया है, जिन्होंने कॉमर्स लिया है। बीसीए के कोर्स में आपको मैथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह में मैथ का यूज होता है, तो जो स्टूडेंट मैथ से पढ़ाई किए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने मैथ नहीं पढ़ा हो क्लास 11 ट्वेल्थ में तो वो बीसीए नहीं कर सकता। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो दोस्तों आप आर्ट्स से पढ़ाई करके भी बीसीए कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मैथ्स स्टूडेंट को ही बीसीए में एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप आर्ट्स से पढ़ के, कॉमर्स से पढ़ के, साइंस से पढ़ के, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से 12th पास करके बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस की, कि फीस कितनी होती है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें तो बीए कोर्स की फीस काफ़ी कम होती है। बीए कोर्स की फीस एक साल के करीब 3,000 से 4,000-5,000 रुपये होती है। वहीं पे बीसीए कोर्स की जो फीस होती है 12,000 से 15,000 रुपये होती है। ये जो मैंने फीस बताई ये एक एवरेज बताया, कुछ कॉलेज इससे भी कम फीस लेते होंगे और कुछ कॉलेज इससे ज़्यादा फीस लेते होंगे। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि बीए और बीसीए की तुलना में बीए की फीस काफ़ी कम होती है और बीसीए की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है।
अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि किसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीए किसे करना चाहिए, बीसीए किसे करना चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आपका वेबसाइट वगैरह में इंटरेस्ट है, आपको आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आपको बीसीए डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप कोई और जॉब पाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में है, तो दोस्तों आप बीए भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीसीए और बीए के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, गूगल पर जाकर सिंपली सर्च कीजिए हाउ टू बिकम इन इंडिया डॉट इन आयुसरीना वेबसाइट मिल जाएगी। उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे बीसीए टाइप कीजिएगा, आपको बीसीए से रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएगा। उसमें मैंने सब कुछ पूरे डिटेल में जॉब से रिलेटेड बताया, तो आप वहाँ पे जाके सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों बीसीए और बीए के बारे में जो कॉमन डिफरेंस है, जो आपको जाननी चाहिए, वो मैंने आपको बता। इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके ज़रूर पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।